विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी का आशीर्वाद हुआ, उन्हीं के द्वारा कर कमलों द्वारा ऑफिस का उद्घाटन हुआ, कितनी सफल मानती है, किस तरह देखती है इस पूरे मामले को? जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है ऑफिस का, बहुत अच्छा लगा है। जो मेरे पिता समान मंत्री जी हैं, बहुत अच्छा बात कहे हैं, उनके बातों से हम सहमत हैं और उन्हीं के बातों को लेकर चलना है। सब किसी को, जितने भी वार्ड पार्षद के लोग हैं, उनको भी यही सोचना समझता है कि इस सिवान को अब बदल देना है। जो भी यहाँ पर गंदगी है, जो भी जिसका जो समस्या है, उसको दूर करना है। मैडम, नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका में तमाम ऐसी गतिविधियाँ देखा जा रहा है, दो तीन दिन में देखा गया कि चोरी कहीं हो गया, कहीं गोली चल रहा है, तो क्या लगता है कि आपके द्वारा कुछ ऐसा कुछ कारण कुछ तो, मतलब सिवान की नगर के लिए कुछ होगा? जी, चोरी क्या, उस पैसा से क्या हुआ, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन लोग बदनाम के लिए ऐसा कर रहे हैं। काफी देर तक अध्यक्ष जी आपके यहाँ ऑफिस में रहे, कौन सी सलाह उनको अच्छी लगी और कौन सी सलाह आपको उन्होंने दी? नहीं, उनकी सभी सलाह हमको अच्छी लगी है, जो भी बात कहे हैं अच्छा लगा है। है, कुछ ऐसा उल्लेख करेंगी जो करने जी, तो कर ही दिए, सब कुछ को बता दिए, जो कैसे इसको बदलना है, सिवान को कैसे करना है, जो जल जमा का समस्या है उसको कैसे दूर करना है। बरसात का समय आने वाला है, बरसात समय उसके पहले रोड मेकिंग का काम हो जाएगा क्या, पानी के जो जल समस्या है? काम तो शुरू हो ही गया है, धीरे धीरे हो रहा है, काम करने में समय लगता है, जो काम अच्छा से होता है उसमें समय लगता है, इसलिए सबको विश्वास। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, कितना बल आपको लगता है, किस तरह सिवान को बदलेंगी? जी, भरपूर बल हुआ है, पूरा बल मिला है हमको, सबका सहयोग है, बल है, जनता का प्यार दुलार है, आशीर्वाद है मेरे साथ। अच्छा, जीवन जी का कितना आशीर्वाद, कितना सहयोग अभी मिल रहा है? आप चूंकि चेयरमैन निर्वाचित पहली चेयरमैन महिला है, पहले तो उन्हीं का सहयोग से हम उठे हैं, वो भी वही हमको उठाए हैं, उसके बाद जनता ने हमको पूरा सहयोग देकर जीता दिया है, और जनता के विश्वास को हमको जीतना है, बस जनता की सेवा। जीवन यादव जी ने कहा है सिवान को गोरखपुर बनाना है, तो ये निश्चित तौर पे गोरखपुर बन जाएगा सिवान? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा ही बनेगा, जो कहे है उसका सही काम होगा, बिल्कुल जैसा जो जहाँ समस्या है, जो लाइट वाइट का जो भी यहाँ पर जो जहाँ पर दिख रहा है लाइट का, जो सड़कों पर जहाँ पर जो अच्छा सा थी है, वहाँ पर लाइट का बहुत ज्यादा थी है कि वहाँ लूटपाट हो रहा है, इसी के चलते बहुत ज्यादा महिलाएं शिकार हो रही हैं, जो भी है उसका अच्छा से दूर किया जाएगा और आगे जो विकास है उसको किया जाएगा, जो समस्याएं है महिलाएं के लिए। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए जिला सिवान वासियों को, क्या शुभकामना? 26 जनवरी आ रहा है, उसके गणतंत्र दिवस को क्या शुभकामना देना चाहिए? गणतंत्र दिवस में ढेर सारी शुभकामनाएं है, और मेरा हमारा वो दिन है, गणतंत्र दिवस का दिन है। पहले बात हो रही थी तो आप थोड़ा लोग आ गए, उससे सवाल रहेगा, गृहिणी से आप पहला दिन है, आप घरेलू महिला थी, पहला दिन आकर के इतने बड़े पद पर आप बैठी हुई हैं, कि पूरा सफर कैसा रहा है आपका? सफर तो अच्छा चल रहा है जी, परिवर्तन संसार का नियम है, हर इंसान में बदलाव आता है। क्या बात है, देखिए और क्योंकि हमें ये मीडिया से पता चला कि शहर में जो शपथ ग्रहण के पहले ही तमाम लाइट ठीक कर दिए जाएंगे, ऐसी बातें चल रही थी, जबकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कैसे देखती है? जी होगा, काम होगा, आप लोग विश्वास कीजिए, काम धीरे धीरे होगा, जब मैं ठंड ज्यादा है उसके चलते भी थोड़ा काम रुक रुक कर हो रहा है, इसलिए काम होगा, देर सवेर काम होगा। अंतिम सवाल, एक बार और बता दीजिए, पहले सिवान नगर परिषद की अगर बात करें तो ये बहुत ही गंदे शहरों में से ये पहले या संभवतः अभी के वर्तमान में दूसरे स्थान पर रहा है, घोटालेबाजी और तमाम तरह की बातें रही हैं, आप अपने नजरिए से इन तमाम चीजों को अभी कैसे देख रही हैं? पैसा रिकवर होगा, पैसे जो घोटालेबाज पुराने रहे हैं उनकी फाइलें खुलेंगी नगर परिषद वाली? वो सब कुछ नहीं होगा, अब साफ सुथरा काम होगा, जो भी काम होगा, पहले लोग वार्ड पार्षद को खरीद कर चेयरमैन बनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जनता ने हमको वोट दिया है, विश्वास करके दिया है और जिताया है, इसलिए जो भी काम होगा घोटालाबाजी का नहीं होगा, इसलिए दुनिया में कोई कुछ लेकर नहीं जाता है, सब किसी के लिए पैसा ही कुछ है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है कुछ, हम नहीं ऐसा सोचते हैं। आपने भी ईश्वर की शपथ खाई है, रहुआ भी भगवान की क्रिया खोई होगी सभागार में, तब मैंने रहुआ स्तर से कोनो तरह के मामला गबड़ाई ना नू? ना ना, हमारे अगर हमारे समझ आ जाएगा और हम उसे जान जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे, इसके लिए कुछ भी। अंतिम सवाल मैडम, अंतिम सवाल, ये बहुत बड़ा समस्या है सिवान जिले की बात करेंगे,
आज 45 वार्ड बना हुआ है सिवान जिला में, नगर वार्ड में, और बहुत सारे गांव क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन अभी भी गांव का जो माहौल है, सबसे शौचालय का समस्या, उस समस्याओं को दूर करने के लिए कितना समय लगेगा, 1 साल 6 महीना, क्योंकि वो आज जनता काम बताएगा, जब काम चालू होगा अच्छा मैडम बताएगा, काम बताएगा कि कब कौन सा समस्या दूर होगा। सिवान की जितनी समस्या है आपने सुना, जो भी समस्या बोल रहे हैं सारे समस्या का आप हल कर दीजिएगा, लेकिन 24,000 कुछ मत आपको मिले हैं, जिन लोगों ने आप पे उम्मीदें लगाई हैं और जीत के पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं, क्या उनकी उम्मीदों पे आप कायम रहेंगी, खड़े उतरिएगा? जी बिल्कुल खड़े उतरेंगे, क्योंकि काम करने में समय लगता है, जो काम अच्छा से होता है उसमें समय लगता है, आप लोगों को धीरज और धैर्य से रहना पड़ेगा। अच्छा मैम, जाते जाते एक और सवाल, इतने देर के सफर में आपके पति मदन जी का साथ कितना मिला, किस तरह इसको देखती हैं? जी शुरू से साथ दे रहे हैं, हमको बहुत घुमाए हैं, बोले दीजिए बोले दीजिए, हाँ घुमाए लोग, जोक चलता रहता था। एक बात बताइए, एक और सवाल इसमें से निकलता है, पहले तो रोटी या खाना पीना आप बना देती थी, अब तो मदन जी को आप सीधे आप चेयरमैन हो गई, अब इसको क्या कहेंगे उनको? उसका भी समस्या दूर हो जाएगा, खाने का मन करेगा तो बना नहीं सकता है अपने की बात हो रही है। ये कुर्सी बहुत जिम्मेवारी वाला है, सिवान वासियों के लिए क्या संदेश? जिसके साथ भगवान है इसके साथ सब कुछ हो जाता है। ठीक है।